हेलो गाइज, आप सभी को स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा सैमसंग वन यूआई 2.0 का थीम गाइज। और ये इस वीडियो के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करना है, इसमें क्या क्या नया फीचर्स आए हैं, इसमें क्या क्या नया हमने फीचर्स मतलब ऐड किया गया है इस थीम के अंदर। दोस्तों, थैंक्स टू एंडी पोर्टर भाई और उनके वाइट चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चेकआउट कर सकते हो। और चले देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, ये एक्चुअली है गैलेक्सी M20 अल्ट्रा का थीम है गाइस, और ये आप कोई भी रियलमी एंड ओप्पो स्मार्टफोन के अंदर यूज़ कर सकती हो। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा थीम है गाइस, आप देख सकते हो। तो इस तरह कुछ आपको कमाल के इंटरफेस के साथ आता है। और पूरा वीडियो देखने के लिए तो अंत तक देखते रहे वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए फॉर 2K सब्सक्राइबर फैमिलीज। एंड आज का वीडियो का लाइक टारगेट है मतलब 15 लाइक गाइस, सेम टारगेट है गाइस, लाइक कंप्लीट कर देना टारगेट। ओके, मेरे को उम्मीद है आप भी कर लोगे कंप्लीट लाइक टारगेट को। तो चलिए वीडियो का आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको इस तरह कुछ आपको इंटरफेस मिल जाता है, जैसे अप्लाई करोगे इस तरह कुछ आपको इंटरफेस मिल जाता है। और 5 मिनट्स का ट्रायल कैसे ब्लॉक करना है, पूरा इजी ट्रिक्स इसका भी मैंने बताने वाला हूँ पूरा एक्सप्लेन करके। तो वीडियो ऊपर लास्ट तक देखते रहिए, कभी स्किप भी मत कीजिए, नहीं तो पूरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइस, बात करें नोटिफिकेशन पैनल की, कुछ तो नोटिफिकेशन पैनल पे यहाँ पे इस तरह कुछ आपको इंटरफेस मिल जाता है, जो बहुत ही क्लियर लुक मिल जाता है और सैमसंग का पूरा इंटरफेस मिल जाता है। और आपको जैसे पता है आपको सैमसंग का ही इंटरफेस मिलता है यहाँ पे। और जैसे सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो गाइस, सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी के साथ आता है यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा आइकन से आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो एक नया इंटरफेस और पूरा का पूरा सैमसंग UI जैसा बनाया था, सैमसंग UI 2.0 का। तो चलिए देखते हैं इस तरह कुछ आपको इंटरफेस मिल जाता है। बात करेंगे यहाँ पे लॉक स्क्रीन की, जैसे लॉक स्क्रीन का आपको ऐसा पूरा प्योर सैमसंग UI 2.0 मिल जाता है, कोई भी मतलब शॉक नहीं है। और बात करेंगे यहाँ पे बैटरी आइकन की, जिसको बैटरी आइकन और नोटिफिकेशन आइकन भी पूरा का पूरा यहाँ पे सैमसंग वन UI 2.0 की वजह से देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी देखने को मिल जाता है। और बात करें इस तरह आपको मिल जाता है इंटरफेस, और बहुत ही अच्छा आपको थीम मिल जाता है, बहुत ही यूनिक सा थीम मिल जाता है, क्योंकि एक 2.0 का थीम है गाइस। तो चलिए कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे करना है वीडियो के अंदर देख लेते हैं। दोस्तों, आपको इसके लिए इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको यदि पता नहीं है कि कैसे इंस्टॉल करना है क्या करना है, आपको एक वीडियो लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस वीडियो को देख के आप परमानेंटली कोई भी प्रीमियम थीम को रियलमी एंड ओप्पो स्मार्टफोन के अंदर आप उसको परमानेंटली बायपास कर सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है वो जो अप्लाई है, और आपको मिल जाएगा। यदि आपको पूरा वीडियो के अंदर देखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कैसे आपको 5 मिनट्स का ट्रायल को ब्लॉक करना है कोई भी थीम के अंदर। और गाइस, बात करेंगे यहाँ पे फाइल मैनेजर की, गाइस मैं फाइल मैनेजर देखाना ही भूल गया था। और फाइल मैनेजर ओपन करोगे तो आपको इस तरह कुछ आपको फाइल मैनेजर मिल जाता है, और कुछ ज़्यादा आपको ट्रिक्स नहीं करना है यहाँ पे, आपको बहुत ही ईजी ट्रिक के अंदर 5 मिनट्स का ब्लॉक कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा वीडियोज़ होने वाला है, सो दैट अंत तक देखते रहिए। और फाइल मैनेजर को इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, एक नया इंटरफेस आपको दिया गया है। और बात करेंगे यहाँ पे फोल्डर की, दोस्तों फोल्डर कुछ आपको ऐसा मिल जाता है देखने को, जो पूरा का पूरा प्योर सैमसंग वन UI 2.0 का मतलब मिल जाता है। और बात करेंगे लॉक मतलब डायलर वगैरह की, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डायलर आपको चेक नहीं कर सकते दिखा सकता, क्योंकि प्राइवेसी का इशू है, सो दैट नहीं दिखा सकता। आप भी चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा इस थीम का डिस्क्रिप्शन में। और ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंज मतलब यहाँ पे कस्टमाइज़ करने के लिए नहीं है, आप चाहे तो आप वॉलपेपर वगैरह मतलब चेंज करने के लिए देखना पड़ेगा आपको वीडियोज़, मैं एक्चुअली बता दूंगा। और यहाँ पे आप चाहें तो होम स्क्रीन के अंदर आप कोई भी वॉलपेपर को आप चेंज कर सकते हो इस तरह कुछ आपको करके, आप चाहें तो इस तरह कुछ आप चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये भी एक अच्छा इंटरफेस, आपकी कोई भी पसंद का वॉलपेपर चाहे तो आप अपने इस थीम के अंदर यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को कैसे अप्लाई करना है परमानेंटली। दोस्तों, आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन, आप उसको वीडियो को पूरा फुल देख सकते हो, नहीं तो फिर वीडियो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आपको कुछ प्ले स्टोर के अंदर जाना होगा, आपको सेटिंग एडिटर के नाम के अंदर एक एप्लीकेशन मिलता है यहाँ पे, और ये एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। सेटिंग एडिटर नाम में आपको प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिल जाएगा, जैसे इस तरह का चीज़ मिल जाएगा आपको। जैसे ओपन करोगे सेटिंग एडिटर एप्लीकेशन, तो आपको इस तरह कुछ आपको इंटरफेस मिल जाता है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो बस यहाँ पे जो दोस्तों इस तरह कुछ आपको मिल जाता है लिखा गया है, ये सब अल्फाबेटिक के अंदर लिखा है, ABCD इस तरह का आपको लिखने को मतलब देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे पी जो अल्फाबेट है उसका जो बार देख सकते हो, तो उसको ढूंढना होगा, उसका जो स्ट्रांजा है आपको पी का, जैसे ढूंढोगे तो आपको यहाँ मिल जाता है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करने की। और तो गाइस, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का प्रीसेट थीम ट्रायल 1 लिखा गया है यहाँ पे इस तरह का, ये जो लाइन देख सकते हो इसको क्लिक करना है यहाँ पे एडिट, देख सकते हो यहाँ पे प्रीसेट सिस्टम ट्रायल थीम,
तो उसको एडिट वैल्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे 1 लिखा है, जैसे देखो तो डिफॉल्ट में 1 लिखा होगा ऑलरेडी, तो सिंपल से यहाँ पे आपको एडिट करके 0 लिखना है गाइस। जैसे 0 लिखोगे यहाँ पे सेव टू चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सेव टू चेंजेस कर देना है गाइस। जैसे यहाँ पे सेव टू चेंजेस करोगे तो आपकी फ़ोन के अंदर यहाँ पे थीम आ चुका है, अप्लाई हो चुका है, और परमानेंटली आप चाहें तो ये थीम को आप परमानेंटली डेली बेसिस में यूज कर सकते हो। और उसके बाद सेटिंग जो रिसेंट एप्लीकेशन से ये रिसेंट एप्लीकेशन को क्लियर कर देना है, उसके बाद आपका थीम हो चुका है परमानेंटली अप्लाई। तो चाहे तो ये थीम के अंदर आप इस तरह का कस्टमाइजेशन करके यूज कर सकते हो। आपको कोई मतलब चेंजेस करना है उसको भी कर सकते हो। यदि आपको कुछ वॉलपेपर चेंज करना है तो आपको वॉलपेपर मतलब मिल जाएगा आपको, उसको भी चेंज कर सकते हो, कोई भी चेंज मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। और ये परमानेंटली अप्लाई हो चुका है थीम, थीम कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई 5 मिनट्स का ट्रायल एरर होगा। ये जो ट्रिक है गाइस सभी रियलमी एंड ओप्पो स्मार्टफोन के अंदर काम करेगा, जो भी पुराने नया सभी डिवाइस के अंदर काम करेगा, तो इसीलिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिए, आपके अंदर फोन के अंदर आप चाहे तो सैमसंग वन ईयर 2.0 को आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हो, जो सैमसंग गैलेक्सी 20 का अल्ट्रा का थीम है, आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों मेरे को उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, यहाँ पे कुछ जानने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है, और कुछ मतलब ये थीम आपको फ्री में मिला है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए यदि लाइक नहीं किया है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। यदि भी कोई कमेंट्स हो तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए, और कोई भी इशू पे तो बताइए, और मिलते हैं ऐसा ही वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर।